गहलोत पायलट में तेज हुई लड़ाई, चिंता में कांग्रेस हाईकमान। जयपुर में चल रहा है कांग्रेस का चिंतन शिविर। चिंतन शिविर छोड़ किसान सम्मेलन में जुटे हैं पायलट। कांग्रेस प्रभारी की चेतावनी, पार्टी की बैठक में न आने वाले पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सभी लोग पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन खड़गे ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 25 सितंबर को जब वो जयपुर गए थे, उस दौरान कांग्रेस विधायकों ने जो ड्रामा किया, उस पर उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया। वैसे पार्टी सब कुछ ठीक होने की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जो अब अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। 2 सप्ताह से ज्यादा समय वो राजस्थान में रही। राहुल का दावा है कि राजस्थान कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, और थोड़ी बहुत नाराजगी तो हर जगह होती है, चिंता की बात नहीं है। पार्टी हाईकमान भले ही दावे कर रही हो कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में चिंता ही चिंता देखी जा रही है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा रही है, 10 से 11 महीने बचे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारियां में जुटी हुई हैं। लेकिन कांग्रेस कैंप में चिंता कुछ ज्यादा ही दिख रही है, क्योंकि उसकी ही सरकार है और 3 दशक से राजस्थान में सरकार बदलने का ट्रेंड चला रहा है। और जो सर्वे आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो बदलता नहीं दिख रहा है। इस ट्रेंड को बदलने के लिए अशोक गहलोत ने जयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर बुलाया, लेकिन गहलोत की कुर्सी को चुनौती दे रहे सचिन पायलट ही चिंतन शिविर से गायब रहे। वो फील्ड में ताल ठोक रहे हैं, रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। 5 दिन में 5 रैलियां कर रहे हैं। किसान रैली के नाम पर हाईकमान को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब चिंतन शिविर के समय पर ही हो रहा है। गहलोत सरकार 2 दिन तक चिंतन शिविर में पार्टी के 4 साल के कार्यकाल पर मंथन कर रही है। मंत्री प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उनमें से कौन कौन सा वादा पूरा कर दिया है। सरकार की उपलब्धियों को बताया जा रहा है, कमजोरी भी गिनाई गई, कई जगह सुधार की भी बात की गई। तो दूसरी ओर सचिन पायलट अपनी ताकत मैदान में दिखा रहे हैं। पायलट समर्थकों को एहसास है कि साल के आखिर में सत्ता किसके पास जाएगी, कुछ भी कहना आसान नहीं है। लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी चुनाव को लेकर तैयारी में भी जुटी हुई है, इसलिए चुनाव से पहले बड़ा खेल करना होगा, नहीं तो चुनाव के बाद बाजी पूरी तरह से हाथ से निकल जाएगी। लेकिन गहलोत कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में चल रही थी तो गहलोत और पायलट दोनों साथ साथ चल रहे थे। राहुल ने दोनों खेमों को मिलाने का भरपूर प्रयास भी किया था। दिखावे के लिए गहलोत और पायलट साथ भी आए, हाथ भी मिलाए, लेकिन दिल नहीं मिल पाए। पायलट खेमा जहां पार्टी की ओर से किए गए पुराने वादे को पूरे जोर दे रहा है, वहीं गहलोत खेमे का दावा है कि पार्टी के अधिकांश विधायक उनके साथ हैं, इसलिए गहलोत की मर्जी के बिना राजस्थान कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलेगा। गहलोत और पायलट कैम आमने सामने है तो कांग्रेस हाईकमान मुश्किल में दिख रहा है। वो दोनों में से किसी भी खेमे को दरकिनार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, इसलिए दोनों ही गुट के नेता खुलकर पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, और पार्टी हाईकमान ने अब नोटिस लेना भी बंद कर दिया है। इसलिए बागियों को नोटिस भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि नोटिस भेजने से मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। 3 महीने पहले जिन नेताओं को नोटिस दिया था, पार्टी अब तक उन पर कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज़।